चुग थारी छावणी री छागी देशी विदेशी बेनड़ तो उघाड़ी जावे ऐसा ले जावे बे ऐसा ले जावे बे। कभी को कहवा को मतलब और समय आए गए कौन सो पहली सत्संग होती तो सत्संग में कहे सत्संग का साई वजन होता पर आजकल देखो तो किया रोलो हो रे सत्संग का काम थोड़ी है। तो कभी कलयुग थेरी चावली छागी है देश विदेश के बेनड़ उगाड़ी जावे साड़िया ले जावे। अच्छा एकला प्रोग्राम ने जागरण रोल मुको नहीं है और समय आएगो यान को के बाण फोन करे ने भाई ने के बीरा जूमी को कम कर जे भाण भाई ने फोन करे बीरा तेरे राखी ले रही हूं। तो भाई देखो ये कलजू के मायने इस समय पर फोन में ही जवाब दे रहे है ये भाण दो साल तो कोरोना का खाएगा दो साल तो कोरोना का खाएगा। अरे गुग्गा तानी राखी बंद है तू क्या किराया लगावे मैं आऊं। अब बात ही कलजुग में देखो भाण ने भाई कह रहे है क्योंकि भाई ने ठाए सोन पापड़ी वालों डब्बो एक लिया सी। अरे भाई अगर साड़ी फोन कर दे के जीजा जी मीठड़ी वाला स्टैंड पर खड़ी हूं ना गाड़ी घर की मत हो जाए तो कभी कभी कलजुग तेरी छावली छाई है देश विदेश के बेनड़ू गाड़ी जावे साड़ियां ले जावे है बेस। देखो साड़ी फोन करे ने कि जीजा जी मीठड़ी वाला स्टैंड पर खड़ी हूं गाड़ी घर की मत वो चाहे किराए की लेर जानी पड़े और साड़ी में लावलो गाड़ी में बैठा और गेला के माए बड़ाया कर तो आवलो कौन सही कि ठाकी भाण को पग पेरो बहुत जोर को यो। देखो साड़ी में कह रहे जीजो जी एक कलजुग में कि ठाकी भाण को पग पेरो बहुत जोर को यो आज भगवान की दिया हूं सो क्यों है। अच्छा तो थार के नाता ही किया भाण को पग पेरो अरे पीर में तो पुड़ो ही को नहीं ओछान पड़ गए अरे थार के नाता ही पग पेरो जोर को गो संसार में और साग जता भी हुए नानी को नाना को दादी को दादा को काका को काकी को सगला बढ़िया आवे और न तो ढोलक वाला को और तबला वाला को साग जोर को हुए पण साडू वे साडू इन कई के साडू ने साडू सुआवे को नहीं साड़ी के बढ़ाया करे जीजो जी क्यों साड़ी जार कैसी के जीजो जी तो फॉर्चूनर कटाई है क्योंकि गंडकड़ा ने लड़बा के लिए भानु कौन चाहिए एक गांव में एक गंडकड़ो आयो जो उबी पूछ लावे और गांव का गंडकड़ा से आडी लाया करे पर वो देखो कहें कि वह कहीं उबी लावे भी नहीं मतलब और सगड़ा आडी ला रहा है आडी ला पर वो उबी लावे गांव का गंडकड़ा बेड़ा और पूछो भाई मेरे सगड़ा आडी लावा अरे तू उबी लावे के पीछे कारण कहीं है जिन्हा बो कह बोलो मैं बंबई सु आयो मैं बंबई सु आयो तो बोलो कहीं करा बोलो बटे ट्रैफिक बहुत ज्यादा आई लिए मैं आडी को नहीं अल्लाह का माने उबी हलनी पड़े। तो देखो अब पूछ है कोई की आडी हाल रही है कोई की उबी हाल रही है आपने शांति बनाई राखनी है भी आडी का चकरा के मायने कटे और बुगो फुला लिए तो कहने को मतलब वो समय है आजकल को समय कभी कभी चोखा मार्ग पर कोई कोई चाली दुख मार्ग ने से भागे अरे देख ले उल्टी रीत जगत की पीवे है जहर अमी ने त्यागे इस संसार में देखो सगड़ा जहर के बातेड़ो कर राख्यो है अमृत की ओर कोई कौन जा रही है कश्या नहीं छेड़ देख लो यहां टांटे हुए जीवन है दरिया 37 किला को वही तीन बल खाए है यहां को टेंटीजर बोला है कि हाल तो भी हुई भिड़े अब कहीं चढ़े मेरे तो कहे गेल हाल नहीं छोड़ू तो गेल क्यों गाले थारा बस मजने वाला थोड़ा की सगाई करवा पर सगाई करा बम बोलो जोर आवे टेंटीज बम कहीं जोर आवे है। कभी कभी भक्ति का कॉल करया ईश्वर से दुनिया बोली क्यों दाबे अरे आ चोरी तेरी किताग दिन 40 तू खोद लियो है खाडो आगे नौ मना तनी कभी गर्भ में रियो तो भगवान वो जीव बहुत विनती करी हे भगवान ई गौर नरक सु बारे कांड तेरी भक्तियों अलावा दूसरो काम करूं ही कोनी
अजा भगवान नौ घंटा हो बारे जाता है फेसबुक और व्हाट्सएप चलाव लो रात के एक एक बजे तड़ी। अरे ये बात को भगवान ने पहली ठा पड़ जाए तो कांटा कहीं करे। पर कभी कभी आज चोरी तेरी कताक दिन चालीसी तू खोद लियो है खाडो आगे। अरे चोखा मार्ग पर कोई कोई चाली दुखड़ा मार्ग पर सगला ही भागे। कि खीर खांड का भोजन त्यागे दारू की बोतल मांगे। साउ जोर को भोजन कहां को है खीर खांड को पण मीठा के सांकड़ा कौन जाए। इकल जुग में मीठा के सांकड़ा कौन जाए सगला सरको चाहिए। प्रेमी सजनो पहला जता भी बुढ़ा आदमी होता चोखो भोजन करता खीर खांड को भोजन करता घी खाता। आजकल व्हाट्सअप चाले जुगो क्यों खाबाई कौन दे आए कह गरम पानी पीवो बेड कोलेस्ट्रॉल को नहीं बढ़े फैटी लीवर को नहीं बढ़े सगड़ा गरम पानी पावे। क्योंकि पहला जता भी बुढ़ा आदमी हा बे घी खाता घी ने जराता। आजकल घी खा ले तो जरे को नहीं बिया अन छुट्टियां कह बुढ़ा आदमी ने छुट्टियां कह। छुट्टी क्यों कहे कि एक गांव में एक बूढ़ो आदमी मरगो। प्रेमी सजनो बूढ़ो आदमी मरगो जना मास्टर जी कहीं सुबह सुबह की टेम ही सगड़ा छोरा ने भेड़ा कर बोलिया कि बच्चों आज की छुट्टी है। बोले गुरुजी क्यों। बोले आज अपना गांव में एक बूढ़ो आदमी मरगो इलिए आज की छुट्टी है। अब छोरा ने ओठा पड़गो के बूढ़ो आदमी मरबाऊ छुट्टी लगी है। अब छोरा आपस में बतलावे रे छोखोरियो तो सुबह सुबह मरियो जे श्याम का मर जाए तो भाई अपने स्कूल तो लाग जाती सगली। अब खाक में तो थेलो गाल मिले और छोरा गांव के बीचू बीच जा रहा दो ही बुढ़ा आदमी गट्टा पर बैठा बैठा चिलम पी हुए। भाई छोरा देख रहे बतलाया बोले देख दो ही छुट्टी ए बैठी। क्योंकि छोरा ने था कि छुट्टी लाग सी बाकी मना लागो चाहे दो मना लागो। पर घी खाता जना कहे सो सौ साल की उम्र पाता। खीर खांड का भोजन त्यागे रे दारू की बोतल मांगे। एक कर्महीन के लिखेड़ा कांकरा मुर्दा की हड्डी चाबे। कभी भी इन कर्महीन बताए जो मुर्दा की हड्डी को भक्षण करे। देखो शियाला के मैं कहेंगे तो मुछा पीड़ी जाए आ गऊ क्यों हल्दिया खतरे उतर को नहीं। ए संसार का दुर्विसन है प्रेमी सजनों कि मद पीवे माटी बखे भांग दड़ा दड़ खाए आलस उणगर छारियो चोडी राखे चाय। के चोडी राखे चाय छूतरा खाकर जीवे बीड़ी होटा बीच चिलम गांजा की पीवे। मद पीवे भोपाल जाए ठेका पर सोवे निर्णा फिरे नरेश टाबरिया कुण कर जावे। एक दारू पी बड़ो आदमी मर ऊपर गियो धर्मराज जी लेखा जोखा खुलाया। बोलो देखो कहीं कहीं करेड़ो आपकी उम्र में। जब खोलिया लेखा जोखा आग देना बोलो साहब ओ जो खो करेड़ो है जो तो कोई करियो ही को नहीं। बोलो कहीं करेड़ो है। बोलो एक एक मन्ना में पच्चीस पच्चीस ग्यारह करेड़ो है क्यों पीर खाई तो हाथ को नहीं बन कोंटा के दारू पेड़ो को नहीं खाई बटे लिखीजगी पूरे दिन भूखा मर गो बटे ग्यारह लिखीजगी। धर्मराज जी बोलो इके लिए ओई उपकार है इन पाछो भेज दो मृत्यु लोग में। अब कह तो पच्चीस दिन ग्यारह कर दो अब तीसों दिन कर लागो दो मन पाछो मर गो क्यों यहां ग्यारह कर सी तीसों दिन जना तो मरनू है। तो कभी कभी उठे बबन अपार गंडक मुख चाटे सारा ओगण गारा आप गिणे कुल ओगण गारा के गमसान जाए मांडे घरा राड करे बिन रीत सू मद पान शान खोवी बद की ओर अनीत सू। कह तो इस संसार में बिना रीत की राड कोई करे को नहीं नहीं करे वो दारू पी बड़ो। चौक में उन्दी चप्पल पड़ी ला जाए ना दारू पी डाल बिन लेर लड़ाई कर ले चप्पल उन्दी पड़ी है बहुत गलत हुए घर में नुकसान हुए दलिद्रता ने बुलाओ देवे चप्पल जूती उंदी पड़ी हुए जना। अच्छा तू तीन से के तुड़ी लगे सुबह पहले आग सीख बह रहे आ चप्पल तो गांडा नुकसान कद कर सी तू तो डेली करे। तो ए संसार का दुर्विसन है प्रेमी सजनों आंसू दूरी बनानी चाहिए। आज भगवान राम रावण ने मारियो दस माथड़ान जार मारियो। देखो ध्यान देर सुन जो बात ने कि भगवान राम रावण ने मारियो अनीति को नाश करियो तो प्रेमी सजनों दारू पीर को नहीं करियो। महाराणा प्रताप कोई के सामने झुकियो को नहीं तो यहां दारू पीर युद्ध कौन जीत्या। आ बात गांठ बांधनी चाहिए कि एक बड़ी कोई दुश्मना की साजिश ही कि इण की चीज ले रहा अपनी हिंदू संस्कृति के मायने दारू और मीट को प्रचलन करियो है तो इस दूरी बनानी चाहिए।
कि खीर खांड का भोजन त्यागे रे, दारू की बोतल मांगे कर्महीन के लिखेड़ा कांकरा, ए मुर्दा की हाडी चाबे, अरे चोखा मार्ग पर कोई कोई चाले, दुखड़ा मार्ग पर सगड़ा ही भागे, देख ले उल्टी रीत जगत की पीवे झेर अमीन त्यागे। तो अंत में कवि कहे, कवि कवि हिंदवां के होली, अरे मियाँ के मोहरम, ए चाव करे घेरा गाजे, देखो ये कलजुग में काई उरे, चोखी सत्संग है, चोखो जागरण है, इन शांतियों सुनबा की कोशिश को नहीं करे कलजुग में। पढ़े हिंदुआ के होली क्यों मोटी बताई, के होली आवे फागण में, और फागण 30 दिन को वे एक मना को, और फागण लागता ही जता ही पिंटिया मेला ला ने डोलिया मारू ए चंग काट ले, और रात की 3 बजे डाने गुआड़ के माँ देखो ते घूमर गालता फिरे लीली ले रहो मरो मोरियो मरेड़ो पड़ो रे, और 3-1 बजे बाद में पिंटिया उतरे एक जना अवला बंडल का कागजा चेपड़ा हेठी डोला उपरों की, वो कोई भैरू जी को वरदान है शायद डॉक्टर की दुआई दिला दे तो ठीक को नहीं हुए, और देसाई वाला बंडल को कागज चेपे उन्हें 30 दिन खरूट बस बेबेर उतारण पड़े बाट की गाल रहे हाँ जी। अरे जरूरी भी है एक एक ही वहीं बोर हो जाए, स्टाइल अलग अलग अपना तोरण हो सी, एक एक हूं जितु जी मिलन बोर हो जाए। तो कभी कि आजकल को जो पर्सनल है समय है वो कहने गीतो अंधेरा में छंदू गुन रहे हो, पर घी हाथ कदावे कि पहली दूध ने गर्म करनु पड़े, दूसरी बात शांति की जरूरत है, दूध ने गर्म करनु पड़े पचबिन देखो 30% पाचो ठंडो करनु पड़े, पचबी में एक जावण लागे, पच वो पूरी रात पड़ियो पड़ियो जमे, पर सुबह बिलोवणी में घाल, अरे 2 घंटा तानी ए बुझावा को बल दिखानो पड़े, अरे बिके तो अपन तो बेरो कहीं जगह करे बनठा है कि तो जोर आवे बिलोवणो करबा में, बिके बाद में घी निखले। तो उस समय है, उस समय थोड़ो ई बांती है, तो एक भजन देखो माता जी का गुणगान 10 रात मेरे को करवासो तो कोई प्रकार की कमी को नहीं, जो भी आपकी फरमाइश है भजनी हुए वो प्रसारी की दुकान हुए, मैं मारी कू दूसरा की कोनी कू, दूसरा तो कहेंडा 4 भजन सीख करी प्रोग्राम कर वो चालू कर दे, थाने कोई भी कथा सुननी हुए राजा चंद मलियागरी की नानी भाई को मायरो कोई भी पुरानी कथा वार्ता वाणी जो भी सुननी हुए, अतो संग्रह तो है कि 10 रात गाइडा भजन नहीं या कथा नहीं पाची गोनिगावा में, पर शांति की जरूरत है सो बातें की बात है। और रही बात कि राजभाई सा को करणी जी महाराज को इंद्रभाई सा को आंको इतिहास को मानी नहीं बेरो उसी इतना तो फिर मतलब उड़ू ही को नहीं कोई नहीं,